हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। चलिए हम बाल के लिए सीरम बनाते हैं। इससे कितने भी बाल झड़ेंगे वो आपका झड़ना रुक जाएंगे। इसमें करी पत्ता है और ये अरमूद का पत्ता है और ये अड़हुल का, और इसमें मैं मेथी दाना डाली हूँ, इसमें चाय पत्ती डाली हूँ और जो बचा हुआ लेवन होता है ना छिलका, उसको भी डाल दी हूँ। अब इसको सारे को मैं पानी में डालकर इसको बॉयल कर, इसमें थोड़ा आंवला भी डाली हूँ, और सारे को उबाल कर मैं इसको आधा सुखा कर इस तरह से सारे, और प्याज का, इसमें प्याज का जो छिलका, चाहे ऐसे भी साबुत डाल सकते हैं आप, इसमें मैं छिलका ही डाली हूँ। सारे को इस तरह से करके इसका रस निकाल लूँगी। ये जो रस निकलेगा, और इसी में मैं एलोवेरा जो जेल आता है ना, उसको मैं उबाली नहीं हूँ। उबालने से इसका जो कम जाता है, इसका जो फायदेमंद हो, फायदे का जो इसमें रहता है ना वो जेल, इसलिए इसको उबालना नहीं चाहिए। अब इसी, इसको ठंडा होने पर मैं क्या करूँगी, इसी में इसको कुच कर और साड़ी को छान लूँगी। उसमें बाल में लगा कर आप नहाने के 10-15 मिनट लगा कर छोड़ दीजिए। उसके बाद आप शैम्पू से या पानी से भी वॉश कर सकते हैं। पानी से भी लगाने पर एलोवेरा का जेल से ना जो बाल है ना साफ हो जाता है, इसलिए आप इसे पानी से भी धोकर इसी तरह से मैं इसको सारे को मसल मसल कर छान कर बाल में लगा लूँगी। इस तरह से लगाने से वीक में 2 बार लगाइए, आपका सारे बाल झड़ना बंद हो जाएंगे और आना भी स्टार्ट हो जाएंगे। इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, घर का ही बगिया का ही सारी चीज़ें, चाय पत्ती है जो आप घर में पीते ही हैं, और एलोवेरा प्लांट तो सबके घर में होते हैं, कड़ी पत्ता सबके घर में होते हैं, सॉरी फ्रेंड, फिर जो अड़हुल होता है सबके घर में होता है। आप इसी तरह से साड़ी को इस तरह से कंघी के सहारे कंघी कर और जैसे आप मांग फाड़ते हैं ना उसी तरह से सारे लिक्विड लगा कर छोड़ देना है। आज उसमें पोलोथीन पहन लीजिए, चाहे ऐसे भी छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर उसके बाद अगर नहीं आपको अच्छा लगता है तो शैम्पू, आपको जो शैम्पू लगाते हो शैम्पू से बाल धो लीजिए। वीक में 2 बार करके देखिए, आपका बाल झड़ना रुक जाएगा, एकदम गारंटी के साथ कह रही हूँ।